भगवान करे तू इसी तरह हंसते खिलखिलाती रहे और तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। आपकी भी सारी मनोकामना पूरी हो। बस बस अरे खान अरे दादाजी 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 साल मुबारक नूतन वर्ष अभिनंदन। साल मुबारक हम पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखना दादाजी। बहु दादाजी अरे जेठिया मैं हूँ बापूजी। बहु बापूजी के आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ ही है। साल मुबारक बापूजी। साल मुबारक दादाजी। साल मुबारक। साल मुबारक बापूजी। हाँ साल मुबारक। साल मुबारक नूतन वर्ष अभिनंदन। नूतन वर्ष अभिनंदन जेठिया। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो हैं। वाह वाह बापूजी आप ये जो सुकन के पैसे देते हैं ना मैं संभाल कर रखता हूँ। एकदम संभाल कर रखता हूँ। बिल्कुल खर्च नहीं करता। मैं भी। अच्छा बहू टप्पू कहाँ है? वो बापूजी हमारे सोसाइटी के मंदिर में टप्पू सेना के साथ दर्शन करने गया। अच्छा वाह वाह बापूजी ये सब आपके दिए हुए संस्कार है, है? आजकल के बच्चे सुबह सुबह जल्दी उठ के नए साल के पहले दिन मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है माँ बाप को है? अरे बापूजी का मुंह तो मीठा कर। हाँ बापूजी आइए ना। अरे हैप्पी न्यू ईयर। हाँ साल मुबारक। साल मुबारक। साल मुबारक दादाजी। साल मुबारक। साल मुबारक सबको। साल मुबारक है। थैंक यू दादा। हमेशा खुश रहो और हमेशा हंसते रहो और जीवन में खूब प्रगति करो है। थैंक यू दादाजी। कहाँ जाए? पर दादाजी पूरी टप्पू सेना की तरफ से आपको साल मुबारक। हैप्पी न्यू ईयर सेठ अंकल। अरे 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 बहुत बहुत बच्चों मेरे भी आप सबको यही आशीर्वाद है जो बापूजी ने दिए। थैंक यू सेठ अंकल। थैंक यू सेठ अंकल। और हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहो। पापा ये लीजिए मंदिर का प्रसाद। अरे वाह हाँ मंदिर जाके सुबह सुबह पूरा चाहिए। ये लीजिए। अरे वाह वाह टप्पू सेना नए साल के पहले दिन सुबह सुबह भगवान के आशीर्वाद लेकर आए। हाँ बापूजी अभी मुझे पूरा विश्वास है कि नई पीढ़ी बिल्कुल सही रास्ते पे जा रही है। चलो चलो अभी जेरा सर में मांगलिक सुनने जाना है हमें देर हो रही। हाँ चलो चलो चलो। अरे वाह बच्चे देखो बापूजी है। वाह वाह हाँ हाँ वाह वाह टप्पू के पापा ये देखा। हाँ वही देख रहा हूँ। ये देखिए अरे जबरदस्त रंगोली है। साल मुबारक। वाह वाह हैप्पी न्यू ईयर। वहाँ पे कुछ लिखा है। वो क्या लिखा है? हाँ 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 क्या लिखा? हंसते रहो खुश रहो मस्त रहो। मस्त रहो। वाह वाह मस्त रंगोली कितना मस्त लग रहा है ना पूरा कंपाउंड। वहाँ पर भी। हाँ वहाँ पर भी की है। वाह वाह अरे वाह वाह हमारे रंग बिरंगी गोकुल धाम में ये रंगीन रंगोली बहुत सुंदर लग रही है। दादाजी अभी रंगोली के साथ साथ रंगोली बनाने वालों की भी तारीफ कर दीजिए। हाँ ये सब रंगोली तुम लोगों ने बनाई? हाँ बाबा मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे तो ऐसा लगा कि भीड़े भाई ने कोई रंगोली का कारीगर को बुला के ये सब करवाया है। हाँ हाँ ये तो एकदम प्रोफेशनल काम दिख रहा है। थैंक यू। वाह बेटा वाह सरस सरस। पर आप लोगों ने ये रंगोली की कब? कल रात को जब दिवाली का फंक्शन खत्म हो गया तब। वाह वाह मानना पड़ेगा टप्पू सेना को। दिवाली में सोनू बेटी को चॉकलेट बनाने में मदद की फिर कल रात को ये रंगोली बनाई और फिर सुबह जल्दी उठ के भगवान के दर्शन भी किए। वाह वाह शाबाश बच्चा शाबाश। थैंक यू दादाजी। चलो चलो अभी जीरा सर जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ चलो फिर वापस आके सबके घरों साल मुबारक करने भी जाना है। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन वर्षाभिनंदन। नूतन किसे नूतन वर्षाभिनंदन कर रहे हैं? इन किताबों को इस कलम को इस कागज को इस मेज को लाइब्रेरी को
यही तो सब कुछ है जीवन में मेरा। इनका नया साल अच्छा होगा तो मेरा नया साल अच्छा होगा। सोला आने सच बातें। नूतन वर्ष अभिनंदन और आपको भी साल मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अरे देखो नमस्ते अंजलि बाबी, साल मुबारक। नूतन वर्ष ना अभिनंदन। हां नूतन वर्ष अभिनंदन। ओ हो बेटा लाल, साल मुबारक, साल मुबारक, नूतन वर्ष अभिनंदन। भाई भाभी नया साल बहुत मुबारक हो। आइए आइए आइए। वैसे जेठा भाई, हमारे नए वर्ष की पहली सुबह एकदम आनंदमय हो गई। आप दोनों के दर्शन जो हो गए। अरे क्या बात है जेठलाल, आज जल्दी उठ गए। अरे आप तो जल्दी उठना चाहिए ना, नए साल का पहला दिन है तो जल्दी उठ गया। फिर ना के दर्शन करने गए, दर्शन करके आए तो मैंने सोचा सबसे पहले आपसे मिलते हैं और आपके आशीर्वाद लेते हैं। अरे आशीर्वाद? अरे जेठलाल, मेरी शुभकामनाएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है। अरे ईश्वर करे भाई ये नया साल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए बहुत मंगलमय हो, तुम्हारी समृद्धि हो, खूब धन धान्य हो और व्यापार बहुत बढ़िया चले। और मतलब तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दोस्तों में हमेशा तुम छाए रहो और तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी। और क्या शुभकामना तुझे जलाल? अरे आप लेखक शब्दों के धनी है तो आप बोलिए, मुझे क्या पूछ रहे हैं, बोलिए। इतना तो बोला ना जेठालाल, और क्या बोलूं भाई। अरे शुभकामना की दो तीन लाइन से थोड़ी कुछ होता है। अरे क्या फिर शुभकामना पे क्या प्रवचन देना शुरू कर दूं, डेढ़ दो घंटा चुप ही नहीं रहूं। अरे भाई हर मनोकामना पूरी हो बोल दिया, इसमें सब कुछ आ गया ना। अरे हाँ उसमें सब आ गया, उसमें सब आ गया, बराबर बराबर। थैंक यू थैंक यू। सिर्फ थैंक यू तो क्या तुम मुझे शुभकामना नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नहीं नहीं दूंगा, जरूर दूंगा। मेहता साहब मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे, इतनी बुद्धि दे कि मैं जब कभी आपके पास कोई समस्या लेके आऊं वो समस्या जटिल से जटिल क्यों ना हो लेकिन उसका हल आप मुझे एक ही पल में दे दे। जेठालाल ये शुभकामना तुम मुझे दे रहे हो या स्वयं को दे रहे हो? हाँ ये तो घूम फिर के इसमें तो मेरे फायदे की बात आ गई। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ मेरी आपको शुभकामना है कि भगवान आपको इतनी बुद्धि दे, इतनी बुद्धि दे कि आप अच्छे अच्छे लेख लिखते ही रहे, लिखते ही रहे और लोग आपके लेख प्यार से पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे। ये हुई ना शुभकामना। हाँ है ना। अरे वो मिठाई अंजलि भाभी ये लीजिए, ये आपकी मिठाई। अरे दया भाभी थैंक यू सो मच। अंजलि भाभी ये मिठाई मेहता साहब के लिए भी है। मेहता साहब के लिए भी नहीं, मेहता साहब के लिए ही है ऐसा बोल तो ही अंजलि भाभी मेहता साहब को देंगे मिठाई। जेठालाल तुम हो मेरे सच्चे दोस्त, बिल्कुल परम मित्र। हाँ हाँ जेठा भाई, दया भाभी तारक को भी मिठाई जरूर दूंगी। हाँ लेकिन पूरा चकदा देना, ऐसा कणी कणी मत देना खाली। जेठा भाई सिर्फ एक पीस नहीं, पूरा बॉक्स दे दूंगी मैं इस बार तारक को, ठीक है? आप दो मिनट बैठिए, मैंने चाय का नया मसाला बनाया, मैं चाय बना के लेके। नहीं नहीं अंजलि अभी चाय नहीं, चाय नहीं। जेठा भाई मसालेदार चाय है, डायट चाय नहीं है। नहीं नहीं फिर भी चाय अभी। हाँ पी लो ना चाय जेठालाल, फिर हम लोग भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलते हैं, चाचा जी का आशीर्वाद लेना है। आइए अब हमारे घर पर। क्या है बापू जी अभी घर पर नहीं है, वो देरासर में ही है, वहाँ उनके कुछ दोस्त मिल गए ना तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, वो शायद एक आध घंटे के बाद आ जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम लोग एक घंटे बाद आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ पधारिए पधारिए, तो तब तक हम लोग है ना सोसाइटी में बाकी लोगों के घर भी जाकर आते हैं। हाँ। मैं क्या कहता हूँ अय्यर वयर बबीता जी के साथ एक छोटा सा मजाक करे। मजाक? हाँ डोर बेल बजा के हम लोग छुप जाते हैं। अरे वाह मजा आएगा। मजा बिगड़ जाएगा, इधर आ। आप इधर आइए और देखिए देखिए ये तो ताला लगा है। तो टप्पू के पापा मुझे ऐसा लगता है कि
बबीता जी और अय्यर भाई बाहर गए होंगे। अरे लगता है क्या दया, ताला लगाया था, जाहिर सी बातें बाहर ही गए होंगे ना। हाँ सही, मतलब बाहर ही गए। लेकिन सुबह सुबह कहाँ चले गए? कल रात को तो अय्यर भाई उछल उछल के फटाके फोड़ रहे थे, वे होते ही रॉकेट की तरह कहाँ उड़ गए। शायद वो लोग भी हमारी तरह नए साल में मंदिर दर्शन करने गए होंगे। ए भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो सोचा था नए साल के पहले दिन मुझे बबीता जी का दर्शन होंगे, हमारे बीच शुभकामनाओं की लेन देन होगी। तो पोपट भाई के घर चले। चलो। हैप्पी न्यू ईयर। क्या सुना? बबीता जी क्या होती है ना? बबीता जी क्या होती है? बबीता जी। बबीता जी। हैप्पी न्यू ईयर। तो अंदर से आ रही है। अय्यर भाई बेचारे बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के कहीं बाहर चले गए। लगता तो यही है टप्पू के पापा। अय्यर भाई ऐसे झलमगिरी कैसे कर सकते हैं? बबीता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। एक काम कर, एक पत्थर लेके आ, ये ताले पे पत्थर मारेंगे, ताला टूट जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, पत्थर कौन सा था? इसका लाओ, इतना इतना है इसका। ताला तोड़ना है, अय्यर भाई का सर थोड़ी फोड़ना है, कितना लेके आना पत्थर? हाँ, तो अभी ले लो। मुझे ये बताइए पत्थर कौन सा था? इसका लाओ, इतना इतना है इसका। ताला तोड़ना है, अय्यर भाई का सर थोड़ी फोड़ना है, कितना लेके आना पत्थर? हाँ, तो अभी ले लो। अरे नहीं नहीं देव अभी जेठा जी। हाँ? दरवाजा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, दरवाजा ऐसे ही खुल जाएगा। कैसे? ऐसे ये चाबी से खुलेगा। हेलो क्या है यार भाई, ये सब क्या है? ऐसी निर्दयता आप कैसे कर सकते? बेचारा भोले बबीता जी को घर के अंदर बंद करके ऊपर ताला लगा के हाथ में चाबी लेके आप बाहर घूम रहे हैं। माफ करना यार भाई, पर ये आपने बहुत गलत किया, ये आपको शोभा नहीं देता। तो? सॉरी दया भाभी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, बस एक छोटा सा मजाक किया है। मजाक? हाँ जेठा जी, ये मजाक ही था। आप और दया भाभी जब मेहता साहब के घर से यहाँ पे आ रहे थे ना, तब मेरी अंजलि भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप यहीं पे आ रहे हो। और तभी मैंने और बबीता ने प्लान बनाया कि घर के बाहर ताला लगा देते और तुम लोगों से मजाक करते। जी हाँ। लेकिन ये क्या अय्यर भाई, नए साल के पहले दिन को ऐसा मजा करते हैं? स्टूडियो पर हमारे घर का डोरबेल बजाकर छुप कर मजाक करने का प्लान कितने किया? टप्पू के पापा का। एनीवेज, आई होप हमारा ये पूरा साल ऐसी मजाक हंसी खुशी में गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, बिल्कुल। और ये मिठाई। हां बबीता जी, नए साल में ये मिठाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह बाय द वे जेठा जी, आपका ये शर्ट बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा लगा आपको? जी बिल्कुल, और ये जो डिजाइन है ना, वेरी यूनिक। और हाँ वो अजय देवगन जी जब आए थे ना, तब आपने जो शेरवानी पहनी थी ना, वो भी बहुत अच्छी थी। वेरी यूनिक। पसंद आई आपको? आप पे बहुत जच रही थी। थैंक यू बबीता जी। ओ मेरा दोस्त है ना जीतू भाई, उनकी दुकान से सब मेरे कपड़ों की खरीदी होती है, हैंडमेड दुकान। ओके पसंद सब दया किया, लेकिन वो मेरे साथ आती है, ये कलर डिजाइन सब वही पसंद करती है। I'm sure, दया भाभी मानना पड़ेगा आपकी चॉइस बहुत अलग है। हाँ है ना, एकदम अलग है, मुझे भी पसंद किया देखो। राइट। आप दो मिनट बैठो, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं नहीं बबीता जी, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, अभी हमें सोचे थे कि बाकी घरों में भी जाना है। हाँ बाद में आराम से आएंगे ना, दो तीन घंटा बैठेंगे ना, गप्पाटा मारेंगे। नहीं दे जाएगा। ठीक है बिल्कुल, वेलकम एनी टाइम। टप्पू पापा, अब पोपट भाई के घर चले। पोपट लाल इतनी जल्दी उठ गया होगा।
अरे टप्पू के पापा, नए साल के पहले दिन तो सब लोग जल्दी उठ जाते हैं। हाँ, पर मुझे लगा नया साल का पहला दिन है तो पपटला लेने आराम से सो रहा होगा और अपने शादी के सपने देख रहा होगा। नहीं, आज बराबर, आज तो नए साल का पहला दिन है तो भी उठ गया होगा। चलो चलो चलते हैं, मैं ले लूँ। अरे नहीं, चलो। ओके, याद रखूंगा ये मजाक, याद रखूंगा, अभी भी इसका जवाब दूंगा। अरे आया आया, जाग रहा है, मतलब उठ गया। सुबह सुबह कौन आया होगा? खोलता हूँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट भाई, अभी खोलता हूँ। चलिए टप्पू के पापा, हम बाद में आते हैं। चलिए चलो चलो चलो। अरे क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? क्या ये क्या? क्या ये लेडीज कुर्ता क्यों पहना? लेडीज कुर्ता? अरे ये तो लेडीज कुर्ता है। हाँ तो, अरे पत्नी नहीं मिल रही है तो खुद ही खुद की पत्नी बन के घूम रहे हो क्या? कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल। कुछ भी क्या, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ। भाई वो थोड़ी गड़बड़ हो गई, वो दिवाली में पहनने के लिए मैंने नया कुर्ता खरीदा, वो इसी कलर का है, तो शायद दुकानदार ने वो पैकिंग में गड़बड़ कर दी। अच्छा, और हमने टिंग टोंग किया और वो जल्दी जल्दी में उन्होंने बिना देखे ये कुर्ता पहन लिया। आप लोग बैठे ना, मैं अभी कुर्ता बदली करके आता हूँ। नहीं नहीं पोपटलाल, इतना टाइम नहीं हमारे पास। नहीं नहीं, मैं दुकान में नहीं जा रहा हूँ बदली करके, अंदर रूम में दूसरा जेंट्स कुर्ता पहन के आता हूँ, ऐसा बोल। नहीं नहीं मैं समझा, लेकिन वही इतना टाइम नहीं, हम खाली साल मुबारक करने आए। क्या इधर साल मुबारक करके फिर सोसाइटी में बाकी सब घरों में भी जाना है ना? साल मुबारक, साल मुबारक, साल मुबारक पोपटलाल, साल मुबारक, साल मुबारक। चलो चले। अरे मिठाई नहीं देने? लो पोपट भाई, आपने नवा वर्ष ने खूब बधाई शुभकामनाएं। अरे थैंक यू दया भाभी जेठालाल, थैंक यू। अरे आप लोग बैठे ना, मैं आप लोग का भी मुंह मीठा करवाता है। बहुत सारे बॉक्सेस मिठाई के अंदर रखे हैं, मैं अभी उसे निकाल कर ऐसे प्लेट में सजा कर रखने ही वाला था टेबल पर, लेकिन उतनी देर में आप आ गए, सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएंगे आप लोग। वैसे आज तो कमाल हो गया जेठालाल, तुम सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर तैयार होकर आ गए। फोटो नहीं। अरे भाई फोटो खींचने के लिए फोन नहीं निकाला, वो किसी का मैसेज आया तो वो देखने के लिए मैंने फोन निकाला। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, एक आध फोटो तो बनता ही है। बाहर निकलो। मजाक कर रहा हूँ, नहीं नहीं खींचूंगा, फोटो नहीं खींचूंगा। चलो हम लोग चले, साल मुबारक। चलो साल मुबारक। मैं भी आता हूँ बाद में चाचा जी के आशीर्वाद लेने। हाँ 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 जरूर आई, पर आप है ना थोड़ी देर के बाद आइएगा। वो क्या है बापूजी अभी दरअसल से आए नहीं है। थोड़ी देर के बाद आता हूँ। हाँ हाँ आइए आइए। कपड़ा बदल के आना, कहीं यही पहन के मत आ जाना। मित्रों दीपावली का त्योहार क्या आता है, अपने साथ त्योहारों की बाहर ले आता है। दीपावली अकेला त्योहार नहीं है, बहुत सारे त्योहार, जैसे कई रंगों को मिलके रंगोली बनती है, ठीक वैसे दीपावली त्योहारों की रंगोली है। पहले दीपावली, फिर नया वर्ष, उसके बाद भाई दूज। अरे भाई दूज का नाम आया है और सुंदरलाल याद ना आया, ऐसे कैसे हो सकता है? भाई दूज है तो अपनी दया बहन से मिलने सुंदरलाल तो आएंगे ही, और जैसे रेड लाइट आने पे वाहन रुक जाते हैं, जैसे टीचर के आने पे क्लास में बच्चे चुप हो जाते हैं, जैसे बरसात आने पे बिजली कड़कती है, ठीक वैसे ही सुंदरलाल के आने पे जेठालाल की बैंड जरूर बजती है। यहाँ भले जेठालाल की बैंड बजे, लेकिन आपके घरों में हंसी की बारात निकलेगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.